पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की दिल सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी, होश है जरा 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 खुमार है जी। और नानी अब टेंशन क्यों ले रहे हो, भगवान जी और मामा जो भी करते हैं ना सही करते हैं। छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। विदा कर रही अलविदा नहीं, और चल बर्तन पोछा भी कराएंगे तुझसे देखना। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। नमस्कार, एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है, जहां मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार। और आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे चार चार खास गेस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे पास है मैं मायके चली जाऊंगी सीरियल, जो कि ऑलरेडी बहुत हिट हो चुका है, उसकी स्टार कास्ट। तो मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत हमारे साथ सबसे पहले बैठी हुई हैं अदिति देश पांडे जी, जो कि आप सभी जानते हैं कि सासू माँ हैं हमारी प्यारी सी जया की। और उनके बगल में बैठे हुए उनके बेटे निमेश तनेजा जी, जो कि समर का नमीश तनेजा जो समर का रोल प्ले कर रहे हैं। और उसके बाद में और सृष्टि जी हैं, सृष्टि जैन, जो कि जया हैं, हमारी स्टार लीड एक्ट्रेस हैं। और उनके बाद जैसे कि बैठी हैं सबकी चहेती, बहुत सभी जानते हैं इनको, नीलू वाघेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सीरियल का नाम है मैं मायके चली जाऊंगी। सबसे पहले रमेश, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये सीरियल का टाइटल है या फिर किसी तरह की धमकी है, क्या है ये? ये धमकी नहीं है। जब हम जैसे ऑफिस में होते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो हम बोलते हैं हम काम छोड़ देंगे, हड़ताल। ये बस ये उसी तरीके का है, एक छोटी सी धमकी है प्यार से कि हमारी कुछ ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, हमें घुमाने नहीं लेके गए, हमें खाना नहीं खिलाया, टेस्टी खाना नहीं खिलाया। इट्स जस्ट लाइक कि लड़कियां बोलती हैं, बातों पे लड़कियां नहीं बोलती हैं, ये आप गलत। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। अरे आप अकेले हैं यहां पे, आप मेन बात ये है ना कि आप तो लड़कियों की सपोर्ट लेंगे ही, इतनी सारी लड़कियां बैठी हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल पार्शियल नहीं हूं। बट हुआ क्या है ना कि मेरी लाइफ में जितनी लड़कियां रही हैं, हाँ, उन्होंने तो हमेशा यही बोला। अच्छा। कि मैं मायके चली जाऊंगी। बुरा एक्सपीरियंस है आपका। अरे बहुत। लेकिन आप इतना दुखी क्यों होते हैं? लड़के तो खुश होते हैं, थैंक गॉड मायके जा रही है, मतलब वो खुश हो जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कितने वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, वो सेलिब्रेट करते हैं मेरी बीवी मायके गई। एक वो दिखावा होता है जो लड़के बोलते हैं, बस थोड़ी देर की खुशी होती है, चंद मिनट की, उसके बाद वो कहते नहीं यार। उनकी इतनी आदतें टिकी होती है ना बीवियों पे कि हम वी डू सो मच, हम इतना कुछ करते हैं उनके लिए, हम जगाते हैं उनके, बाकी जो भी उनका खाना पीना हर एक चीज जो मैंने अपनी मम्मा को करते हुए देखा है उनको, हाँ। तो एक आदत सी पड़ जाती है, जब वो आदत अगर आप जो आपके साथ वो आदत निभाते अगर वो चला जाए बड़ी बात, तो दिक्कत तो होनी ही है, राइट? तो फिर क्या आप सीरियल के बारे में जैसे की बात करूँ तो आप लोग क्या लेकर के आए हैं, क्या खास है? जैसे कि ऑलरेडी हिट हो चुका है, तो आने वाले टाइम में हमको क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत क्यूट लगते हो जब रोमांस करते हो स्क्रीन पर, लेकिन खास तौर पर उसी टाइम पर आपकी जब एंट्री हो जाती है तो ये क्या मतलब, ऐसा क्यों करती हैं आप? मेरी एंट्री नहीं होती है, वहाँ एक फोन बजता है, माँ का फोन आया, माँ का फोन आया। और माँ जो है वो अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती है कि बेटा तू कैसी है, पराए घर है तो खुश है ना, कोई तकलीफ तो नहीं? घर है, पराया कहाँ है वो? अरे मेरे लिए तो पराया होगा ना, हाँ। क्योंकि बेटी का अपना घर तो उसकी माँ का घर होता है, जहाँ वो पली बड़ी है, पली बड़ी है। इतनी बड़ी सी प्यारी सी गुड़िया को मैंने अगर भेजा है तो चिंता तो होती है ना, इसलिए फोन करके पूछ लेती हूँ बेटा कैसी है, और कुछ थोड़ी ना है ना। हाँ, और देखो ना, लोगों को तकलीफ हो जाती है, क्या करूँ मैं लोगों की, जैसे आपने लोगों की बात की तो वो लोगों में कौन है, ये है नमीशी है या फिर उनकी माँ है, किनको तकलीफ होती है? पता नहीं किनको तकलीफ होती है, लोग भी है, ऑडियंस भी है, परिवार भी है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर माँ अपनी बेटी को फोन करके उसका हालचाल पूछती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ हालचाल ही तो पूछ रही है, हाँ, क्या है? माँ का फोन आया है, कोई पड़ोसियों का फोन नहीं आया है। पड़ोसियों का नहीं है, पड़ोसियों का अलाउड नहीं है, पड़ोसी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन पड़ोसी का आए ऑब्जेक्शन ले तो समझ में आता है, माँ का फोन आया है। आप क्या कहेंगी अदिति जी, आप जैसे कि रमा का रोल प्ले कर रही हैं, इनकी माँ है, आपको क्या लगता है इनका जो इंटरफेयर है ये ज्यादा है क्या, आपको क्या लगता है?
देखिए मैं मानती हूँ कि माँ तो माँ होती है हमेशा, माँ की जगह कोई ले नहीं सकती, लेकिन मैं ऐसी सासू माँ हूँ जिसमें भी माँ शब्द है, सो मैं भी एक माँ हूँ। सासू माँ जैसी होती है, माँ से भी बढ़के हो जाती है, हमें मानना पड़ता है, लेकिन माँ नहीं होती है, माँ ही होती है, माँ तो माँ ही होती है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि देखिए मैं भी माँ हूँ, समर की माँ हूँ, तो मैं भी कहूंगी कि इसकी भी सासू माँ नहीं होगी, माँ तो माँ ही होगी, सही बात है। मैं ये चाहूंगी कि जया जब घर पे आए तो मैंने जया को पूरी आजादी दे रखी है कि एक बार ऐसे हो जाता है कि जया किसी कारण घर नहीं आ पाती है किसी फंक्शन के लिए, तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारी माँ बीमार थी तो तुम उनके साथ रहो, क्योंकि कोई रिवाज कोई माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो आई एम इतनी अंडरस्टैंडिंग हूँ मैं कि जैसे कि आजकल लड़कियां चाहती है कि मेरी सासू माँ ऐसी हो, मतलब तो आज की भी जो हमारा जो सिनेरियो है, जिस तरह का टाइम चल रहा है, आप उसमें एकदम सुटेबल है, आइडियल है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कायदे से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जरूरत नहीं है इतना इंटरफेरेंस, नहीं तो हमारे बीच में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम तो लोग जो देख रहे हैं उनको लग रही है, हम दोनों के बीच में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं मेरी जगह सही हूँ, वो अपनी जगह सही है, बट आप लोग क्यों सोचते हैं ये मत सोचिए। लेकिन हमने प्रोमोज में देखा है जब भी आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं ना, एंजॉय नहीं करीब आ रहे हैं, एंजॉय नहीं उसे प्यार कहते हैं, प्यार कह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हम एंजॉय करते हैं ना उस टाइम पे, आप भी एंजॉय करते हैं, और उसी वक्त पे माँ का फोन आया, माँ तो मुझे क्या पता मुझे बताइए, मैं तो अपनी बेटी को फोन कर रही हूँ, हाँ वैसे फोन में मम्मा को तो ना कुछ पता थोड़ी चलेगा, टाइमिंग गलत हो जाती है, हाँ, बस सिचुएशन प्रॉब्लम है। फिर आप लोग को कैसा लगता है, अच्छा आपको गुस्सा आता है उस टाइम पे, आना शुरू हुआ अभी? नहीं नहीं गुस्सा नहीं आता, बस आप मुझे एक बात बताओ, अगर सेम चीज आपके साथ हो और मेरी माँ का फोन है तो कैसा लगेगा? मैं फोन तोड़ के फेंक दूंगी, और समर इतना अच्छा है वो फोन नहीं तोड़ता है, वो फिर से वेट करता है, ओके नेक्स्ट, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, एक बॉल गई, नेक्स्ट बॉल का वेट करता है, नेक्स्ट बॉल का वेट करता है, कब आएगी। चलिए ये तो हंसी मजाक हुआ, अब मैं चाहती हूँ कि लोग सीरियल ऑलरेडी देख रहे हैं, वो अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं स्टोरी क्या है, और लेकिन अब आपके बारे में जाहिर सी बातें पसंद करते हैं तो पर्सनली भी जानना चाहेंगे कि भाई कि आप लोग जैसे स्क्रीन पे दिखते हैं रियल लाइफ में भी वैसे ही हैं, क्या आप वाकई में समझ, मतलब रियल में भी उतनी ही सुलझी हुई समझदार माँ है आपसे मेरा सवाल? जी मैं बिल्कुल ऐसी हूँ जैसी रमा है, मैंने मेरे बेटे को, अभी मेरा बेटा छोटा है, मैं सास नहीं बनी हूँ, पर एक माँ को जो होना चाहिए, मैं बेटा तो है, बेटा है, तो है, और आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे लगता है कि जब मेरा बेटा 21 साल का है तो तब एक माँ के बढ़कर ही नीड्स मी एज अ फ्रेंड, तो मैं मेरी माँ की, मेरे बेटे की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे हर बात शेयर करता है, मैंने पूरी आजादी दे रखी है उसे, सिर्फ इतना कहा है कि एक अच्छा इंसान बनो, बाकी कुछ भी हो, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो कोई बात नहीं है, आप ये कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनो तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी, तो और वो इसलिए कर पाता है क्योंकि मैं उस पर भरोसा करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन हिम, मैंने उसे इसलिए आजादी दी है क्योंकि मैं ट्रस्ट करती हूँ उसे, तो जैसी रमा है बिल्कुल, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि जब मैं नमीश के साथ सीन्स करती हूँ तो मैं मिहिर को देखती हूँ, तो आई कैन सी मिहिर, आई कैन रिलेट, मेरा बेटा, तो मैं रिलेट कर पाती हूँ, तो इसलिए मेरे और इजी भी हुआ क्या कुछ इस तरह से आपको फील करके रोल करना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बेटे की माँ हैं? बहुत इजी हुआ, बहुत इजी हुआ, और मुझे कुछ एक्टिंग करनी ही नहीं पड़ती है, मैं वहाँ पे माँ हूँ और मैं जैसे मेरे बेटे के साथ रिलेट करती हूँ उसी तरह मैं इसके साथ रिलेट करती हूँ, उसी तरह मैं जया के साथ रिलेट करती हूँ, तो लोगों को लगता नहीं है कि कुछ एक्टिंग कर रही हूँ, जितना वो रियल हो जाता है। तो ये तो रियल हो गया, काफी हद तक आपका एक्टिंग होता ही नहीं है। रमेश आपकी अगर बात करें, आप बहुत ही सुलझे समझदार घरेलू किस्म के लड़के हैं, बिल्कुल माँ का कहना मानने वाले, तो एक्चुअल में आप कितने ऐसे हैं? एक्चुअल में क्या है ना, वही आप नीचे देखते हैं तो मुझे शक होता है कि आप कुछ सोच कुछ रहे हैं, आप प्लीज सामने देखिए बात कि जो इंसान जैसा होता है उसे वही किरदार मिलता है, और अभी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो सच होगा, तभी आपने एक्सेप्ट किया, बट क्या है ना, अगर मैं रियल लाइफ में भी समर की तरह रहूंगा तो मेरा एडवांटेज लिया जाएगा, समर का लिया जाता है, अगर क्योंकि होता है ना एक बंदा बहुत अकड़ में रहता है
तो उसपे सब सब शांत ऑलरेडी रहते हैं, पंगा होता ही नहीं है, शोर मचा दो, कोई ऑलरेडी शांत है, प्यारा सा है, उसके पास बहुत प्रॉब्लम होगी। उसकी सासू माँ भी उस पे हुकुम चलाएगी, उसकी बीवी भी चलाएगी, कहीं ना कहीं माँ भी चलाएगी। तो रियल लाइफ में अगर मैं समझ ऐसा बन गया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, बैंड बच जाएगी। आप देखिए ना, जितने भी जो मेरे समर जैसे मर्द हैं, लड़के हैं, वो जितना शांत रहते हैं उनकी वाइफ के सामने, तो वो हमेशा डांट खाते हैं। हाँ। जितने अकड़ में रहते हैं उनको कभी डांट नहीं पड़ती, कोई कमी नहीं होती। नहीं, नहीं, अभी जो टीवी के सामने देख रहे होंगे ना, वो जरूर मुंडी हिला रहे होंगे। हमें डांट खाते हैं ना आप सब, राइट राइट, आपको डांट पड़ती है। तो मेरा मानना ये है कि एक जो एक किरदार होता है कि अगर वो गुस्से में है या प्यार से बात कर रहा है तो चीजें अलग है उन दोनों में। तो नमीश तनेजा और समर में जमीन और आसमान का फर्क है। क्या करे, दुनिया मुझे बनने नहीं देगी समर, बनने नहीं देगी, दुनिया ही ऐसी, वरना आप बन सकते हैं समर। मैं हूँ समर, हाँ, पर दुनिया के सामने जब मैं सब मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, मैं सेट पे था और मैं बिल्कुल किरदार में घुस गया, समर बन गया। अब मैं आया सेट पे, हेलो हाय, कैसे हो आप, सब अच्छा है? हाँ, अरे इसको वहाँ खड़ा कर। आई एम लाइक ओके। और जब इससे पहले वाले से इनकार कर दिया आपको? नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि इसको वहाँ पे खड़ा कर, द टोन वॉज दैट। और वही एक बार मैं पहले शो में था, तब मैं था बिल्कुल गुंडा टाइप, और मैंने बोला हाँ कहाँ पे, कहाँ खड़ा होना है? सर आइए ना सर, यहाँ पे आइए सर, प्लीज सर आइए। तो ये टोन का फर्क हो जाता है। तो मुझे लगता है कि लोगों को एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। दुनिया सब अच्छी है, सब दिखावा करते हैं अकड़ का, सब किसी में अकड़ होती नहीं है, सबको दिखावा करना पड़ता है, सिर्फ कि उनको इम्पोर्टेंस मिले और कोई उनको लाइटली ना ले। जी बिल्कुल, तो बैलेंस करने के लिए कोई आपका फायदा ना उठाने पाए, तो आप खुद अपनी सोच समझ के बूझ के हिसाब से। सारे जितने भी मर्द होते हैं वो अपनी वाइफ से मतलब सबका तो आप नहीं कह सकते, बट हाँ ऑलमोस्ट सब इंसान अच्छे होते हैं, सबको अच्छी परवरिश मिली होती है, सबके माँ बाप सबको अच्छा ही सिखाते, चाहे वो गुंडे हो मवाली हो, पर अपने बच्चों को हमेशा यही चाहेंगे कि वो अच्छे ही हो। तो बस ये कि सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर कोई अच्छा होता है तो सामने वाला झुका देगा, तो उसको खराब बनना पड़ता है। तो अगर ऐसा ना हो कि पिछले बुरे एक्सपीरियंस के बाद हम उसको अगली बार जब होता है तो उस तरीके से हैंडल करते हैं। तो मेरा पॉइंट है कि अगर एक बंदा शांत है तो दूसरा भी शांत रहे, उसका एडवांटेज ना लिया जाए। ऐसा होता नहीं है ना, लेकिन ऐसा होता है, होता है नहीं, एडवांटेज लेते हैं, यही मैं कह रही हूं, लोग एडवांटेज देते हैं। अगर एडवांटेज ना लिया जाए, हां एडवांटेज ना लिया जाए कि अगर एक बंदा प्यार से बात करे, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की बहुत शांत होती है, बहुत प्यार से बात करती है, लड़का बोलता है बैठ जाओ उधर, तो लड़के भी एडवांटेज लेते हैं। अगर दोनों ही एक दूसरे से प्यार से बात करे तो पंगा होगा ही नहीं। इनकी इस बात पर, हाँ आई थिंक रिश्ते म्यूचुअल होते हैं, आप दो लोग मिलकर उसे बनाते हैं, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो एक माँ बाप के साथ हो, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे किसी दोस्त के साथ हो, एक दोनों की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के लिए उतना ही प्यार होना, एक दूसरे के लिए सम्मान होना, दोनों की तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं कि एक अगर कश्ती को चलाना है तो उसका वो जो ओर होता है वो होना जरूरी है, अगर वो नहीं हो तो उसके बिना कश्ती चल नहीं सकती। चप्पू वैसी है, चक्कू ओर, हाँ चक्कू। तो इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई वो एक्चुअल में अच्छे हैं लेकिन बनना पड़ता है। उन्होंने आपने बोला कि मैं तो जैसी दिखती हूँ स्क्रीन पर वैसी ही हूँ, मतलब जो जैसा होता है उसे वैसा ही रोल मिल जाता है, ऐसे में आपके ऊपर तो बड़े सवाल उठ गए। मैं तो अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो में, मैं तीन बेटियों की माँ हूँ, जया शिखा और रिचा। वैसे पर्सनल जिंदगी में नीलू वगेला एक बेटा और एक बेटी की माँ है। मतलब काफ़ी समय से मैं शूट करती हूँ और मेरे बच्चों को बहुत कम समय दे पाती हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी जितना मैं समय देती हूँ उनके साथ ही रहती हूँ। और आई थिंक I wanted to be a housewife, a mother. जितना समय मिलता है तो मैं पूरा समय देती हूँ। मेरे लिए छुट्टी छुट्टी नहीं होती है, मेरी फैमिली होती है, बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली में रही हुई हूँ और मेरे बच्चों के साथ मैं शूट पर भी उनके साथ अटैच्ड रहती हूँ। तो have a feeling of a mother on the set also. इसके पहले भी जो शो किया था मैंने उसमें बेटे की माँ थी, इसमें बेटियों की माँ हूँ, तो मेरे सामने मेरे बच्चे ही नज़र आते हैं। जैसे अदिति जी ने कहा, जब भी आप कहीं सीन करते हो अगर आप वो फील नहीं लोगे तो वो कैरेक्टर जिंदा नहीं रहेगा, फेक लगेगा, फिर वो कैरेक्टर फेक बन जाएगा। तो थिंग इज दैट कि सारे लोग मिलकर के एक चीज़ अच्छी बनाते हैं तब जब उसमें अपनी जान लगाते हैं, उस कैरेक्टर को स्टैंड करते हैं।
जब जाके एक चीज़ एक कैरेक्टर स्टैंड होता है, लोगों तक पहुंचता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके दिल के करीब होता है, तभी वो कहते हैं कि ये कैरेक्टर मेरा अपना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया आपने। और जैसे कि आपका पिछला सीरियल था तो आप भाभो के नाम से बहुत जानी जाती हैं। मैंने भी जिस जिस को बताया कि आप आज आ रही हैं, भाभो आ रही हैं, भाभो आ रही हैं, मतलब बिल्कुल। तो अब आपको क्या मुश्किल होती है, जैसे कि अब सत्यावती एक पावरफुल कैरेक्टर है, बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही जल्दी प्रभाव डाला है लोगों के मनों में, तो अब आपको दिक्कत हो रही है, अभी भी लोग आपको भाभो बुलाते हैं या फिर अब सत्यावती के तौर पर जाने लगे हैं? सत्य देवी, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, भाभो का जो कैरेक्टर मुझे मिला तकदीर से, मैं एक्चुअली शशि मैम सुमित सर की आभारी हूँ कि उन लोगों ने मुझे ये कैरेक्टर के लिए चुना और मैं यहाँ तक पहुँची। भाभो के चरणों तक अगर सत्य देवी पहुँच जाए तो मैं उस अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। इतना पवित्र लगा आपको? यस बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने अपने अपने रोल के बारे में बताया। अब मैं चाहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा जल्दी ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन ये चाहती हूँ आप ये बताएं सेट पे आप लोगों की कैसी क्या बॉन्डिंग है, क्या क्या होता है शूटिंग के अलावा? बहुत मस्ती होती है, वन बाय वन। हम आई थिंक एक परिवार बन चुके हैं ऑलरेडी, तो मम्मा मेरी मम्मा ही है, मम्मी जी भी मेरी मम्मा ही है, एंड हम लोग जितने भी बाकी भी हमारे जितने भी कास्ट है और बाकी की जो टीम है, हम सब ऑलरेडी एक परिवार जैसा फील करते हैं। प्लस जब हम सीन्स करते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि इतनी हंसी आती है करते करते कि हम सबको शॉट रोकना भी पड़ता है कितनी बार। और सीन्स धीरज सर जो हमारे प्रोड्यूसर राइटर हैं, उन्होंने इतने ब्यूटीफुली लिखी है स्क्रिप्ट कि कोशिश नहीं करनी पड़ती किरदार से कनेक्ट करने के लिए, या कोई लाइन 10 बार नहीं पढ़नी पड़ती याद करने के लिए, वो इतनी नेचुरली इतनी ब्यूटीफुली लिखा गया है कि उसे कनेक्ट करना बहुत ईजी है। तो उस वजह से सेट का माहौल और लाइट भी रहता है, हम सब स्ट्रेस भी बहुत कम रहता है, प्लस क्योंकि शो में हल्का सा एक कॉमिक जोन भी है तो करते करते में भी बहुत मजा आता है। और हम लोगों की बनती इसलिए है बिकॉज हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमें क्या करना है, और सारे हार्डवर्किंग है। तो उसमें क्या होता है, कहते हैं ना कि आपकी शादी उसी जहाँ पे, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर से शादी कराओ, ये है तो उससे शादी कराओ, इंजीनियर है तो इंजीनियर से। उसका रीजन होता है कि चीजें मैच होती हैं। तो हमारा क्या है, हमारी चीजें मैच होती हैं, हमारे पास टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए, हमारे पास हर एक टॉपिक है, हर एक मोमेंट है एंजॉय करने के लिए। अगर मैं कोई जोक भी मारता हूँ, चाहे वो बकवास क्यों ना हो, दुनिया के लिए बकवास हो सकता है, पर ये लोग मुझे समझेंगे। इतना कर चुका हूँ, बहुत टाइम हो गया इंडस्ट्री में, तो इतना समझ में आ जाता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा नॉटी सा बच्चा है, हम सीरियस नहीं होंगे तो आप कैसे होंगे? और मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा मजा हमें आता है लंच टाइम पे, क्योंकि लंच टाइम में ऐसे होता है कि हम सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, कोई ऐसा नहीं होता है कि अपने रूम में बैठ के खाना खा रहा है, और तभी हम एक्टर्स नहीं होते हैं, वी आर फील, हम होते हैं, और यहाँ पे इसका खाना लिया शेयर करते हैं खाना, उससे तो मुझे लगता है प्यार बहुत बहुत है। और आई थिंक सभी लोग लाते हैं, जैसे अदिति जी ने उस दिन बहुत सारी पूरन पूरी लाई थी, नमिश पनीर और इसकी दाल बाटी, मतलब एवरी फेवरेट डिशेस जो हम लोग खाते हैं मिल करके, और फिर ऐसे छीन करके खाते हैं, उसमें बहुत अपनापन सा लगता है। और आई थिंक क्रॉस द फिंगर्स ऐसे ही अपनापन रहे, ऐसे ही बॉन्डिंग रहे, दैट इज द आई थिंक हम लुकिंग फॉरवर्ड जो एक मोमेंट होता है ना, वो लंच टाइम होता है हमारा, बेसिकली ऐसी बॉन्डिंग होती है कि हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो सिचुएशन होती है, मतलब वो सिचुएशन यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा होता है। मुझे दिख रहा है, आंखों में तो अच्छा, आप तो हैं भोपाल से, हाँ जी, तो कितना उसको स्टोरी भी भोपाल का ही है, तो कितना आपको कितना अच्छा लगा जब ये पता चला कि ये भोपाल से, कुछ स्पेशल फीलिंग थी या नॉर्मल रहा? नहीं, ऑब्वियसली स्पेशल, बहुत स्पेशल था कि जहाँ से हूँ, जिस शहर से हूँ, उसी शहर पे ये शो आधारित है। yes. और उससे भी ज़्यादा आई थिंक क्योंकि ये कैरेक्टर इतना प्यारा है, जया जो है वो इतनी, जैसे हर एक घर में शायद ऐसी ही बेटी होती होगी, झल्ली सी है, बोलने से पहले सोचती नहीं है, मासूम है, प्यारी है, खुशियां बिखेरती है, खुशियां बिखेरती है, इसके बहुत पॉजिटिव है। तो वैसे ही वो कैरेक्टर इतना प्यारा है कि जब मैंने सुना तो कैरेक्टर से वैसे ही प्यार हो गया, वैसे हमारी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है। और उसके बाद जब मैं सारी कास्ट से मिली तो
आई थिंक और भी ज़्यादा पॉजिटिव थी और मज़ा आ रहा है काम करने. यस यस, एक्चुअली हम थैंक्स देना चाहेंगे धीरज सर को और सोनी टेलीविजन को कि हमें इतने प्यारे शो में मौका दिया और लोगों तक प्यारा सा मैसेज पहुंचाने का समय दिया एक कैरेक्टर के थ्रू. आई थिंक हम सब यही कहना चाहेंगे. हर एक कैरेक्टर कुछ कहना चाहता है. हर एक कैरेक्टर सोच है और जरूरी नहीं है कि हम लोग मतलब थोप रहे वो चीज. वो एक फ्लो में जाती है और हमें कहने की जरूरत नहीं होती और हमारा परफॉर्मेंस अपने आप आता है. राइट, बिकॉज हम सब उस चीज से रिलेट कर पाते हैं. बिकॉज वो जो हमारी स्क्रिप्ट है, जो हमारा शो है, वो कैसा है कि किसी को भी अगर हम बोल भी रहे तो वो कह रहा हाँ यार ऐसा ऐसा होता है, होता है. नहीं होता तो बोलेंगे अच्छा मेरे भाई के साथ होता है. यस, मेरे भाई के साथ होता है. सही बात. सही बात. हर कोई हम सब में से किसी ना किसी से कनेक्ट कर ही सकता है. मतलब अब ऐसा हो गया हमारे शो को देख के कि हर तीसरा बंदा कह रहा है यार ऐसा तो होता है. ऐसा तो होता है. अरे मेरे साथ हुआ था, मेरे दोस्त के साथ हुआ था, तो ये शो से लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं. किसी न किसी सिचुएशन से रिलेट करते हैं. ऐसा नहीं हो कि हर एक सिचुएशन से करते हैं. हाँ, लेकिन सब कोई भी हर कैरेक्टर किसी न किसी से रिलेट करता है. ऐसे नहीं बोलते कि हाँ मैं माइक के चली जाऊंगी, बट ऐसे बोलते हैं मैं जा रही हूँ अपने घर. धमकी कहाँ, ये तो प्यार चली गई ना. इन्होंने क्या धमकी वमकी नहीं दी, उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट चली गई. सुबह जब मैं उठा तो चली गई. रात को क्या हुआ, इन्होंने मुझे कहा कि मेरे गहने ले आओ, नहीं तो मायके चले जाऊंगा. मैंने कहा गहने वाली बात तो कौन जाता है. मैं सो जा यार, ये क्या बात है, सो जा. मैं सो गया. अब जब मैं सुबह उठा तो वहाँ पे एक लिखा हुआ मिरर के ऊपर मैं मायके जा रही हूँ और उसका बैग भी गायब. और मेरा रिएक्शन इतनी सी बात पे. अब वो बात इतनी सी नहीं है, बात मेरे लिए इतनी सी है, बट इनके exactly, इनको पता है उसका डेप्थ क्या है. डेप्थ क्या है, मेरी मम्मा जो है उन्होंने अपने पास में इतना कुछ झेला है. हाँ, इतनी चीजों के थ्रू गुजरी है कि उनको अब वो चाहती है कि उनकी बेटियों को जितना प्रोटेक्ट करके रख सके उतना रखे, ताकि हाँ, उनकी बेटियों को कोई तकलीफ ना हो और वो सिचुएशन तक ना पहुंचे जो वो गुजर चुकी. तो बस मम्मा प्रोटेक्टिव है, जैसे हर माँ प्रोटेक्टिव होती है. और उसके बाद मैं समझ जाती हूँ बिना कहे कि ये क्या प्रॉब्लम है, और मैं उसके रूम में एक लॉकर बना देती हूँ कि चल तू तेरे गहने तू संभाल. कितनी तो, समझदार. और कुछ नहीं, बहुत सारी सासों को ये मिल गया. बेटे ने कुछ ऐसी सासु माँ है, ये ऐसी सासु माँ है जो ये बदल देंगे कि माँ माँ होती है, पर ये नहीं है. ये ऐसी सासु माँ नहीं कि नहीं, सासु माँ भी माँ होती है. सासु माँ की अपनी अलग जगह होती है. अगर वो अपने रोल को ठीक तरह से, जो उसकी भूमिका है, जो कर्तव्य है, उनका निर्वाह करे, तो कभी ये नेगेटिव सिचुएशन आएगी ही. बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है आपका. आप रवा का रोल प्ले कर रही हैं अदिति जी, और बहुत ही अच्छा. आप भी बिल्कुल, मुझे लगता है रियल लाइफ में भी ज्यादा एंटरटेनिंग रहे होंगे, लेकिन लोग लड़कियां खासतौर पर आपकी बहुत फैन हो रही है. मुझे जैसा फीडबैक मिला है, और पर्सनली मैं आपकी आवाज की तो बहुत ज्यादा फैन हूँ. खूबसूरत तो आप हैं ही, और मुझे भी बोलते हैं ब्रीदी वॉइस, मतलब बिल्कुल गुदगुदी कर जाते हैं. थैंक यू वेरी मच मैम. तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके. आपके समय के लिए हम बहुत ही शुभकामनाएं देंगे. थैंक यू. 8:30 PM only on Sony. तो एक मुलाकात में फिलहाल इतना ही. आएंगे फिर कुछ नए गेस्ट के साथ. फिलहाल के लिए दे इजाजत. पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी. जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी. होश है जरा 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 खुदार है जी. और नानी, अब टेंशन क्यों ले रहे हो? भगवान जी और मामा जो भी करते हैं ना, छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी. विदा कर रही अलविदा नहीं, और चल बर्तन पोछा भी कराएंगे तुझसे, देखना. मैं माइके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो.